बस दारू पिया, डेट कर गया, अब कुछ नहीं। बाहर से पी के आया, घर में डेट हो गया, दारू हुआ है, बता रहे हैं। यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। होली से अब लेकर अब तक लगभग 15 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन मौन है, चूँकि प्रशासन कहता है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं है। अभी 7 आदमी एम्बुलेंस से गया पटना, तो बोलते हैं प्रशासन कहता है कि मेरे यहाँ तो सरकारी आंकड़ा है नहीं कि एम्बुलेंस से गया पटना। के सरकार पूरी तरह से फेलुअर है शराब के मामले में। शराब भड़कले से बिक रहा है और मिलावटी शराब जो गरीब आदमी पी रहा है और मर रहा है, सांस रुक जाता है पीने के बाद, सूता का सूता रह गया। जो कमज़ोर है वो सूता का सूता रह गया। बहुत सारा आदमी जो उसका सांस रुक रहा है पटना रेफर हुआ है और संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्वागत है आपका आदर्श भारत टीवी पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आज चर्चा करेंगे बिहार के नवादा जिले में कल 10 लोगों की संदिग्ध मौत के बारे में। चर्चा की पुलिस प्रशासन ने इस मामले में समय पर संज्ञान नहीं लिया। यदि समय पर संज्ञान लिया होता तो शायद कई की जानें बच सकती थी। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम गोदापुर के एक व्यक्ति को सदर अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की डर से परिजन उसकी बॉडी लेकर घर से चले जाते हैं और रात में पुलिस को सूचना मिली, परंतु पुलिस ने इसे हल्के में ले लिया। परिणाम ये हुआ कि सुबह तक 9 लोगों की लाशें बिक चुकी थी। बुधवार की दोपहर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और औपचारिकताएं की जाने लगी। फजीहत यह है कि अब तक प्रशासन को अन्य पीड़ितों की जानकारी नहीं मिल सकी है, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। यदि समय पर उनका बेहतर इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी अनिष्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों के परिजन बातचीत करने से कतरा रहे हैं और जानकारी नहीं दे रहे हैं। कई लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, ऐसे में प्रशासन के लिए काम करने में बाधा आ रही है। वहीं नवादा में इतनी बड़ी घटना होने के बाद शाम करीब 4 बजे डीएम यशपाल मीना व एसपी धुरत साइली सावलारा घटना स्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। डीएम एसपी ने अधिकारियों को मामले में समुचित निर्देश दिए। इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे मौत की संख्या में वृद्धि के बाद प्रशासन हरकत में आया और घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। इसी वजह से किसी भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। अब सवाल इन सबके बीच ये उठता है कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी शराब की तस्करी किस प्रकार हो रही है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आपके मन में भी है ऐसा सवाल तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर भेजें। तब तक के लिए देखते रहिए आदर्श भारत टीवी। धन्यवाद।